मैं गुप्ता साहब का बड़ा आभारी हूँ, आपको भी और हमको सबको यहाँ मौका दिया, नहीं तो आगे प्रेस क्लब में जाते थे, आप भी इतनी धूप में आए, आपका शुक्रिया। मैं अपना कुछ जिंदगी का अनुभव आपको बताना चाहता हूँ कि कई वर्षों से कश्मीर की समस्या को लेकर के पूरी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान ने पूरी दुनिया के अंदर टेररिज्म को लेकर हिंदुस्तान को अलग तरीके से देखा जाता है। 26/11 की घटना, पार्लियामेंट की घटना और दीनानगर पठानकोट की घटना, जयपुर के अंदर एक दिन के अंदर 120 लोगों को मारे जाना, तो पूरे देश के अंदर जितनी घटनाएं थी नक्सलिज्म को छोड़ करके, वो ज़रा कश्मीर के मुद्दे के ऊपर थी। कश्मीर के मुद्दे ने हमारे देश को पिछले समय में कई वर्षों से हिला के रखा। आज मैं आपके पास हाजिर हुआ और मेरा कोई बीजेपी के साथ, मेरा कोई सरकार के साथ, मेरा कोई नरेंद्र मोदी जी के साथ, मेरा कोई रिश्ता नहीं। मैं खुद 14 बार बम्बों गोलियों को जेल करके हैंडीकैप, मेरी एक पीड़ा है। ये भारत देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का देश है, ना अकेले हिंदू का देश है, ना अकेले सिख का देश है, ना ईसाई का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का ये भारत है। और मुझे आज पहली बार कश्मीर के अंदर आज की किरण नजर आ रही है कि एक साल के अंदर अंदर आतंकवाद मुक्त भारत होगा, और पिछले 5 साल के अंदर, 4.5 साल, 5 साल, 4.5 साल के अंदर दीनानगर और पठानकोट की घटना के बाद एक भी वाकया हिंदुस्तान के अंदर, 26/11 की घटना हो, पार्लियामेंट की घटना हो, कोई एक भी घटना नहीं हुई। जो हुई वो कश्मीर के अंदर हुई। पत्थर हमारे जवानों को मारे जाते, गोलियां चलाई जाती। अगर पहली सरकारें, अगर पहली पॉलिटिकल पार्टियां, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों की सरकार रही, बीजेपी की भी रही, कांग्रेस की भी रही, देवी गौड़ा की भी रही, गुजरात साहब की भी रही, बीपी सिंह की भी रही, कौन सी सरकार नहीं रही, पर कश्मीर की समस्या हल नहीं हुई, ये आज मैं गारंटी से कहता हूं। मुझे को पॉलिसी पता नहीं सरकार की क्या होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि पंजाब का भी जो टेररिज्म था उस वक्त आतंकवादियों से कंप्रोमाइज नहीं किया गया, लड़ाई लड़ी गई। अगर कंप्रोमाइज करते तो खालिस्तान बन जाता। आज पंजाब को हिंदुस्तान से टूटने नहीं दिया। पंजाब वाली पॉलिसी अब यहां अपनाई जा रही है। कल अमित शाह जी आए, होम मिनिस्टर आए, कश्मीर बंद नहीं हुआ, कोई आतंकवादियों के नेताओं से बातचीत नहीं हुई। यही एक तरीका था, कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, कश्मीर हमारे से जुड़ा नहीं हो सकता। पर पॉलिसी सख्त चाहिए थी। महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी की सरकार रही, क्यों रही? हो सकता है एक रास्ता बनाया जाए, हो सकता है आतंकवाद समाप्त हो, पर वो रास्ता सही नहीं हुआ। एक एक्सपीरियंस था गवर्नमेंट का कि ये ना हो कि ये बीजेपी की सरकार आई और गोलियां चलानी शुरू कर दी, नहीं चला। और अब अगर उन्होंने वादा किया है तो मैं गारंटी से कहता हूं, साल के अंदर अंदर जो मैं देख रहा हूं माहौल, जो सीरियसपन में होम मिनिस्ट्री का देख रहा हूं, जो सीरियसपन में सुरक्षा व्यवस्था का देख रहा हूं, एक साल के अंदर अंदर कश्मीर में आतंकवाद बिल्कुल समाप्त होगा। 370 धारा हटेगी, 35 से हटेगी और अमन शांति आएगा। हम चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर हम क्यों कहें कि मुसलमान हमारे से दूर है, मुसलमान हमारा भाई है। हम भी चाहते हैं कि कश्मीर का हमारा मुसलमान उसका भाई पूरी दुनिया में नाम हिंदुस्तान का ऊंचा करे। आईपीएस आईएएस कितने हैं वहां के मुस्लिम भाई। हम मुस्लिम से नफरत की बात क्यों करते हैं? मुस्लिम हमारा भाई है। ये तो चंद लोग हैं जिनको आईएसआई से फंडिंग आती है और उनकी सारी चीजें आपके क्लियर हो रही। कहां से फंडिंग आई, इनके बच्चे कहां पढ़ते, इनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ते और वहां के नौजवानों को उनसे पत्थर करवाते, उनसे गोलियां करवाते, आईएसआई से मिलाते, अपने बच्चे बाहर भेजते।
मैं बिल्कुल आज कश्मीर के उन आतंकवादियों को ये कहना चाहता हूं, अभी भी अपने रास्तों को छोड़ दो। फोर्सेस नहीं चाहती कि हम किसी का खून करें, किसी बेगुनाह का खून करें। अगर किसी ने गलतियां की है तो सामने आ जाए, कहे मेरे से गलतियां हुई हैं, मैं आपसे सरेंडर कर रहा हूं। वो सामने आए, वो कोई गलत तरीके से मारने को तैयार नहीं है, पर अगर रास्ता नहीं उन्होंने छोड़ा तो फिर गोली का जवाब गोली ही होगा जो दिया जा रहा है, उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये सरकार की पॉलिसी जो मैं देख रहा हूँ, ये पॉलिसी क्लियर हो गई। पैकेट भी गलत नहीं दिया गया आपको, पहले पैकेट भी गलत दिए जाते थे। कश्मीर जो हमारी जन्नत हिंदुस्तान की, उसको ब्लैकमेलिंग का अड्डा बना दिया था चंद नेताओं ने, हुर्रियत ने और नेताओं ने अड्डा बना दिया था। और इनका लाल कारपेट से दिल्ली में यासिन मलिक जैसे लोगों का, जिलानी जैसे लोगों का स्वागत होता था, बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी जाती थी, फाइव स्टार होटल में ठहराया जाता था इनको। यही सबसे बड़ी गलती थी उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियों की, उस वक्त की सरकारों की, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टियों की। आज कहां है? आज तरीके भुगते फिरते, बताओ पैसा कहां से आया? आपके घर का राज है क्या? आप अपनी मर्जी से चलाओगे क्या कश्मीर को? बिल्कुल नहीं। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। मैं सरकार को यह कहूंगा कि कश्मीर के अंदर एक बार वहां जो भी इनके नेता है उनको प्यार से एक बार कह दिया जाए, संदेश पहुंचा दिया जाए कि हम कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट चाहते, हम जम्मू कश्मीर के अंदर आसपास सारी तरक्की विकास चाहते। जिस तरीके से पंजाब के अंदर हम लोगों ने, हमको भी गलत कहते थे वहां के लोग, हमें गदार भी कहते थे, कहो हम तो गुरु गोविंद सिंह जी की सोच पर चले, हमने तो मजलूमों की रक्षा की, उन्होंने मजलूमों को मारा, हमने मजलूमों की रक्षा की, फर्क क्या बात का? क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था कि बेगुनाहों का कत्लेआम कर दो, किसी हिंदू को, किसी मुसलमान को, सिख को? नहीं, उन्होंने कहा था मजलूमों की रक्षा के लिए फौज सिख कौम सजाई थी, हमने उसकी रक्षा की, हमने किसी को मारा नहीं। तो आज यहां के कश्मीर के नेताओं को, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को मैं कहना चाहता हूं, जिस तरीके से पंजाब के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई, बीजेपी, आरएसएस, अकाली दल का कुछ था, जब इकट्ठा हुआ उन्होंने एक ही बात कही, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें प्रथम राष्ट्र चाहिए, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें पंजाब से टूटने नहीं देना देश को। कितना पुराना आतंकवाद सिर्फ अकेले कांग्रेस ने नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने जब मौत का कफन सिर पे बांध लिया, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, हमें आने वाली जनरेशन के लिए प्रथम राष्ट्र चाहिए, पंजाब चाहिए, आज पंजाब आपके सामने। यही ऑल पॉलिटिकल पार्टियों को, अगर सरकार का स्टैंड ठीक है, सरकार का स्टैंड बिल्कुल स्पष्ट है आतंकवाद के मुद्दे के ऊपर, सारी पॉलिटिकल पार्टियां हाथ खड़ी करें पंजाब की तरह, और पार्लियामेंट के अंदर 370 धारा पार्लियामेंट चल रहा है, 370 धारा की लाइव टेलीकॉस्ट चलता हो, हाथ खड़े करा के कहें कौन 370 धारा चाहता है हटे, कोई ना चटे, देशद्रोहियों का भी पता चल जाएगा और देशभक्तों का भी पता चल जाएगा। ये सेशन चल रहा है, सरकार ऐलान करे डबल पॉलिसी नहीं। आज तो सबकी बोलती बंद होगी जनाब, बड़े बड़े नेता जो 10 दिन पहले बोलते थे यहाँ कोई तिरंगा झंडा फैलाने वाला नहीं रहे, इनकी ऐसी की तैसी, हम फहराएंगे वहां पे तिरंगा झंडा, और जब जहां कश्मीर को आजादी मिलेगी, आज मीडिया में नोट कर लो, सबसे पहले वो खाली पड़े आतंकवादियों के घर अहमद बिट्टा वहां पे जमीन खरीदेगा, अपनी जमीन को बेच करके, मैं चैलेंज करके जाता हूं, सबसे पहले मैं जाऊंगा वहां पे। हमें लड़ाई आगे भी लड़नी होगी, पर हम ज्यादा देर तक ना अपने कश्मीर भाइयों का नुकसान देखना चाहते, कश्मीरी हमारा भाई है, ये चंद लोग हैं जो कश्मीर को बदनाम करने में तुले हुए हैं, वहां के व्यापार को नुकसान करने में तुले हुए हैं। हिंदुस्तान है, दुनिया का हर आदमी आके यहाँ जमीन खरीदे और कश्मीर जन्नत फिर जन्नत बने, दहशत ना रहे। और आईएसआई को स्पष्ट कह देना चाहते, आपने देख लिया, आपने 18 जवान शहीद किए थे, पाकिस्तान में घुस करके 42 आतंकवादियों को उनके कैंपों को उड़ा के ढेर करके आए, आपने हमारे 40 जवान पुलवामा में शहीद किए, और पाकिस्तान में घुस करके 12 प्लेन लेकर के आपके घुस के आके आपको ठोके आए, हम तैयार खड़े, हमारी फोर्सेस तैयार खड़ी है। ये पहली बार हुआ है, फोर्सेस के जवान बताते
कि हमें अब पूछने की जरूरत नहीं। अभी मैं बीकानेर बॉर्डर पे होके आया, कहते अब हमें पूछने की जरूरत नहीं। हर कमांडेंट को, हर डिप्टी कमांडेंट को अधिकार है, जहां देश की सुरक्षा के ऊपर कोई बात आ जाए वहां पूछने की जरूरत नहीं। ये अगर पहले होता तो आज हमारे कश्मीर की हालत यह होती। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा कि इस मुद्दे के ऊपर सरकार के साथ, सरकार की इस बढ़िया पॉलिसी के साथ हम खड़े हैं और पूरे हिंदुस्तान को इस पॉलिसी के लिए एक नाम बंद करेंगे, खड़ा करेंगे और बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के पास भी जाएंगे। अब आप सवाल हैं, हाँ, और हम अगले महीने गुजरात के अंदर जय जवान जय किसान एक बहुत बड़ी संस्था है, वहां कम से कम हम 100 फैमिलीज को, टेररिस्ट विक्टिम फैमिली को जो शहीद हो चुके हैं उनको हम हर फैमिली को 2.5 लाख रुपए की सहायता देंगे, उनको अवार्ड देंगे बहादुरी का, कम से कम 100 फैमिली को लेकर के। जम्मू कश्मीर से भी हमने यहाँ के एसपी साहब को रिक्वेस्ट की है, भंडारी साहब को कहा है कि यहाँ से भी कुछ फैमिली को लाएं, यहाँ के कुछ पुलिस ऑफिसर उनको भी वहाँ सम्मानित किया जाएगा। और ये जो फंड है ये हर साल जो भी शहीद होंगे दिया जाएगा, भगवान की कृपा से ये शहादत का काम अगले साल से बंद हो, ये भगवान से हमारी प्रार्थना है, क्योंकि पॉलिसी सरकार की बिल्कुल क्लियर। आपने बोला कि मुंह तोड़ जवाब मिलिटेंसी को मिल रहा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी भी जम्मू कश्मीर के गवर्नर जो है वो मिलिटेंट्स को के लिए कैसी पॉलिसी चाहते हैं जिससे वो वापस मुख्यधारा में शामिल हो सके। एक बात मेरी समझ लो, गवर्नर साहब बोले या कोई बोले, अमित शाह जी ने तो बोला, अमित शाह जी ने तो बोला, कोई कहे हम जो, आप मेरी बात सुनिए, मुख्य धारा की बात तो आपको स्पष्ट मैंने भी कही, मुख्य धारा का मतलब नहीं कि जिसने 100 बेगुनाहों का कत्ल किया आ जाए, कुछ ऐसे हैं जो हम चाहते हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं, हमें क्षमा हुई है, हमें क्षमा कीजिए, सरकार कानून के मुताबिक जो भी उन्होंने क्राइम किया है उसकी उसको सजा मिले, हमको खून की नदियां नहीं चाहते कि फोर्स खून की नदियां बहाए, किसी बेगुनाह का कत्ल करे। अगर सही रास्ते पे हुरियत वाले जो दूसरे सही रास्ते पे आते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं, यहाँ कोई भी आदमी आके अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, हम अपने नया जो फ्यूचर है बच्चों का उसको नया हिंदुस्तान नया कश्मीर देना चाहते हैं, तो उसमें क्या हर्ज है। अगर वो ये कहे कि कानून हमारा चलेगा, इनकी ऐसी की तैसी, कानून ना पंजाब में चलेगा ना यहाँ चलेगा, लड़ाई लंबी नहीं है, यह लड़ाई अभी छोटी है, पहले लड़ाई लंबी थी, मेरी बात लिख लीजिए, मुझे कोई किसी का कुछ नहीं पता को क्या करने वाला क्या नहीं करने वाला, मैं तो माहौल देखता हूँ, मैं तो काम देखता हूँ कि किस तरीके का काम चल रहा है। क्लियर जी, अभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं, 6 महीने आपको लगता है कि आतंकवादी गतिविधियां वो बड़ी है या फिर कम? देखो मैं एक बता दूं, मेरे ख्याल 650 के करीब आतंकवादियों को पीछे मारा गया है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे जवानों की शहादत बहुत हुई, इसमें कोई शक नहीं कि वो शहादत हुई, सोच के देखिए, गोली का जवाब गोली है, पहले पूछना पड़ता था उससे, ने गोली चलाए ना, वो हमारे जवानों के सिर काट देते थे और हम फोन करके पूछते थे चावल बनाए हैं बिरयानी बनाई है आपके, तेरी ऐसी की तैसी है, गोली चला 100 चलाएंगे और चल रही है। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी जब पाकिस्तान के, हमने विरोध किया, नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ को बुलाया, हमने विरोध किया, आप मेरी पुरानी स्टेटमेंट देख लीजिए, पर हमें पता था कि ये अब नरेंद्र मोदी जी गए पाकिस्तान कुछ ना कुछ ISI शरारत करेगी, आया और दीनानगर की घटना की, उस दिन के बाद आप देखिए क्या गोली का जवाब गोली नहीं है। आखिर में अगर प्यार नहीं है, महबूबा मुफ्ती के साथ क्यों सरकार इन्होंने बनाई, इसलिए बनाई, हम भी हैरान थे, शायद अमन शांति नहीं आया तो आप गोली का जवाब गोली है भाई, आज भी रास्ता छोड़ दो गोली बंद है, अमन शांति तो होना ही होना है, अगर अब नहीं, नरेंद्र मोदी के होते हुए नहीं, शाह के होते हुए नहीं, तो फिर कभी नहीं ये याद है। बेटा जी अभी कुछ इंसिडेंट्स लगातार देखे जा रहे हैं जिसकी जिसको देखते हुए लग रहा है कि खालिस्तान मूवमेंट जो है वो फिर से जड़े पकड़ने लगी। देखो एक बात बिल्कुल स्पष्ट मैं आपको बता दूं, हमारा पुराना अनुभव ना पंजाब के खालिस्तान की मांग पहले थी ना अब है, ये ISI का बनाया हुआ सब चाल थी, विदेशों में कुछ लोग बैठे हुए 100 होंगे 50 होंगे खालिस्तान की बात करते हैं, और मैं आपको गारंटी से कह देता हूँ और अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि हमने खालिस्तान बनने दिया,
खालिस्तान ना बनने दिया, ना बनने देंगे, ना बनेगा। अगर बनेगा तो पहले की तरह गंदी हरेरी की तरह हमारी लाशों के ऊपर से पहले की तरह निकल जाएगा, ये आपको गारंटी देता हूं। और उदाहरण आपके सामने है, उदाहरण चीफ मिनिस्टर सरदार बेन सिंह है, उदाहरण और लोग हैं। गारंटी है तो गारंटी है, खालिस्तान का तो नामो निशान है ही नहीं, ये तो एक चर्चा है। खालिस्तान बनेगा, पंजाब का हर युवक जो है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं जो चंद लोग हैं वो कोशिशें कर रहे हैं इसको मोबिलाइज करने की। देखो कोशिश पाकिस्तान आईएसआई की तरफ से, आईएसआई कनाडा अमेरिका जर्मनी ये चलती रहेगी, उनको कोई हमारे पे असर नहीं। और मैं मीडिया को भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसी कोई एकदम, जैसे अमृतसर में अभी शहीदी दिवस मनाया गया, 10 लोग खालिस्तान के नारे लगाने वाले, पूरी दुनिया के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वहां नमस्कार करने वाले, तो खालिस्तान बन गया क्या? उसको कोई इतनी हवा देने की जरूरत नहीं, ये मेरी गारंटी है। सर क्या लगता है आपको कि वक्त जो है वो आ गया कि जो पत्थरबाज हैं, हाँ, पत्थरबाजों को भी आतंकियों की तरह ट्रीट किया जाए? देखो जी, अगर नहीं सूद आते, अगर ये सूद नहीं आते, जैसे गोगोई ने किया था ना, गोगोई ने जिसको सजा दी इन्होंने, मैं तो कहता हूँ सरकार को वही फार्मूला अपनाना चाहिए, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हो और सुंदर इनकी कुर्सियां आसपास बना दो, गाड़ियों में स्पेशल गाड़ियां बनाओ, जैसे बुलेट प्रूफ अभी बनाई है हमारी, इनको कुर्सियों में बैठाओ, इनको बांधो और जहां जहां पत्थर चलते चलते पहले पत्थर इनको लगे, फिर गाड़ी को लगे, फिर हमारे चाहे जवान को लग जाए। अगर हमारे जवान को पत्थर चलता है तो कोई तकलीफ नहीं, इनको अगर पत्थर चलता है, इनके ऊपर कोई फायरिंग की जाती तो तकलीफ है, इनको गाड़ी में बैठाया जाए, नवा फार्मूला सरकार कानून बनाए। बेटा जी एक और सवाल है जी, जो आतंकी जिन्होंने गन उठाई है वो तो दिख रहे हैं, जो पत्थरबाज है वो भी दिख रहे हैं, लेकिन जो विधायक बनकर या मुख्यमंत्री बनकर भारत के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ ये धमकी देते हैं, आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया कि उनके खिलाफ भी उसी तरह से कार्रवाई की जाए? देख लो कि उसमें जो पॉलिटिकल टेररिज्म चला रहे हैं, पॉलिटिकल टेररिज्म, 3-4 महीने रुक जाइए, जैसे अभी 2-4 दिन में, नाम नहीं लेना चाहूंगा, पुराने नेता हैं, सीनियर हैं, मैं उनके बारे में मुंह से ऐसा शब्द निकालू मेरी आदत नहीं है, फिर भी नहीं, जो भी पुराने हो सकता हमें भी कहीं इधर उधर दिल्ली मिलते, बुरा ना मनाना, कहना नहीं चाहिए, उनके बयान कल के सुन लो और उनके महबूबा के बयान, औरों के बयान, इलेक्शन के वक्त जब 370 धारा की बात है, तिरंगा लहराने वाला महबूबा मुफ्ती क्या बोल रही, अब वो लीडर क्या बोल रहे हैं, खुद ही देख लो। तो ये है क्या गाजर मूली की तरह, ये तो 3 महीने रुक जाए, इनके मुंह से तो आवाज नहीं निकलेगी, इनको मुझे कहने की जरूरत नहीं। तो क्या बाकी बड़े बड़े चैनलों में इनको रोज भगाता हूँ, देख लिया नहीं, वो देख रोज भगाता हूँ, तुम्हारी ऐसी की ऐसी आदत है, वो तो मैंने, वो तो हमने आपके यासिन मलिक वाला भी देख लिया था जब आपने उनको हटा दिया था, भगवान की कृपा, बात है कि सच है, सच है, हम भी तो पंजाब में सरदार है, हम भी तो सरदार है। आपको क्या लगता है कि ये जो नेता है ये अब डरे हुए हैं कि जो अमित शाह जो होम मिनिस्टर बने हैं या दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई है इसको लेकर अब इनकी पॉलिसी क्लियर होगी कि अगर हम देश के खिलाफ बोलेंगे तो कोई एक्शन हो जाएगा? देखो मैं भारतीय जनता पार्टी की तो बात नहीं कर रहा है ना, पार्टी की आपा बात नहीं, वो बहुत छोटी दिल्ली सरकार की बात, बीजेपी की बात है, सभा तो अपने पॉलिसी की करेगी, प्रथम राह चाहे वो राहुल गांधी जी हो चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, अगर प्रथम राह आपकी पॉलिसी है आतंकवाद के खिलाफ, अब नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, मैं भी उसमें था, आप देखिए कि पंजाब के अंदर आतंकवाद समाप्त हुआ था उस वक्त, आप देखिए कश्मीर के अंदर उस वक्त के कितनी घटनाएं हुई, आतंकवाद पे कंट्रोल हुआ, आप देखिए असम के अंदर कितना कंट्रोल हुआ, नक्सलिज्म के ऊपर, सवाल पॉलिसी की है, सवाल पॉलिसी की, अगर पॉलिसी इनकी क्लियर है, मैं उनका भी जवाब देता हूँ सवाल पूछना चाहिए, अगर पॉलिसी क्लियर है तो उसमें बिल्कुल आपको स्पष्ट कह दें कि ये पॉलिसी क्लियर है तो आतंकवाद समाप्त होना ही होना है, अब नहीं तो कभी नहीं, ये मेरी बात।